हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं जो चाहकर भी नहीं कह पा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली उसके लिए हमारा ये जानना ज़रूरी है कि आखिर क्या वजह है कि ये पर्सन आपसे चाहकर भी नहीं कह पा रहे हैं। तो पहले तो उस वजह को ढूंढेंगे, फिर उसके बाद ये देखेंगे कि कहना क्या चाह रहे हैं, और फिर उसके बाद ये देखेंगे क्या कोई पॉसिबिलिटी है इनकी आपसे ये सब चीज़ें कहने की, और अगर है तो कब तक है। तो वो चीज़ें आज हम टैरो से देख रहे हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना होगा कि जब यहाँ पर रीडिंग हो रही हो तो उस दौरान पे आपको अपना पूरा का पूरा फोकस अपने उसी पर्सन के ऊपर बनाए रखना है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं और जान लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आए, कनेक्ट कर पाएँ तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और ग्रेटिट्यूड ज़रूर दें उस यूनिवर्स को, डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। जो भी रीडिंग होगी वो जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। कहीं कहीं पर आपको एनर्जीज वाइस वर्सा लगेंगी, यानी कि पॉसिबिलिटी है आपको ऐसा लगे कि ये एनर्जीज आपकी ही हैं, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती है। पर्सनल रीडिंग लेनी है आपको अगर, तो आपको एक ईमेल आईडी दिखाई देगी hindi tarot deck 222@gmail.com, तो उसके माध्यम से आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। उसके अलग मेरा कोई और पर्सनल नंबर नहीं है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन और इनके बीच ऐसे क्या सिचुएशन है जो कह नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहले आया है डिस्ट्रप्शंस, ऐसा क्या दोनों के बीच में हो रहा है जो ये कह नहीं पा रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। टेम्पटेशन व्यूअर्स के पर्सन और इनके बीच के हालात बताइए यूनिवर्स। मेमोरीज ऑफ लव, emotional loss, patience in planning and bottom of the deck authority. तो देखिए, सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो मेजरली एनर्जी है वो है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ये आपकी एरीज की एनर्जी हो गई, ये आपकी एरीज एंड ये आपकी कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ठीक है, अभी और कार्ड्स निकलेंगे तो फिर वापस से डिस्कस करा जाएगा। तो जैसे कि पहला सवाल था कि आखिर बात कर क्यों नहीं रहे हैं, ऐसी क्या वजह है जो ये पर्सन आपसे अपने दिल की बात नहीं कह रहे हैं चाहकर भी। देखिए, यहाँ पर जैसे कि ओवरऑल एनर्जी आई है अथॉरिटी, जो मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि आप लोगों के बीच में दो सिचुएशन हो सकती है। या तो ये पर्सन इस एनर्जी में रहना चाहते हैं, एकदम डोमिनेटिंग एनर्जी है इनकी, सोच है इनकी, और ये पर्सन ये चाहते हैं कि जो भी लोग काम करें, जो भी उठे बैठे, वो इनके मन मुताबिक उठे बैठे, यानी कि ये पर्सन हमेशा मैं में रहना चाहते हैं, आई एम द बॉस की एनर्जी में रहना चाहते हैं। और वही चीज़ें ये आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इनके कंट्रोल में रहो, जो इन्होंने आपसे कहा आप उसी के अकॉर्डिंग करो। दूसरी सिचुएशन, ये खुद ऐसे इंसान के कंट्रोल में हैं जो अथॉरिटिव पर्सन है, जिन्होंने इनकी ज़िंदगी की अथॉरिटी ले रखी है, एज इन की ये इन्हीं की अकॉर्डिंग जिएंगे मरेंगे, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। इन्होंने अगर कहा कि तुम्हें उठना है तो ये उठेंगे, बैठना है तो बैठेंगे, रोना है तो रोएंगे, चाहे रोना ना भी आ रहा हो। तो दूसरी सिचुएशन ये दिख रही है कि ये पर्सन किसी अथॉरिटिव पर्सन के कंट्रोल में है, जिन्हें इन्होंने खुद से ही अपनी अथॉरिटी दे रखी है, और इस रीज़न की वजह से ये पर्सन आपसे ना अपने दिल की बातें नहीं कह रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपके पर्सन को रोक रखा है। और
ये रुके हुए हैं, ठीक है। ये पर्सन कौन हो सकते हैं? घर के कोई मुखिया हो सकते हैं, इनके फादर, एल्डर ब्रदर हो सकते हैं, एल्डर फ्रेंड हो सकते हैं, तो वो मुझे दिख रहा है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग पर्सनैलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। और यहाँ पर चाहे आपके पर्सन हो चाहे ये अथॉरिटी पर्सन, दोनों ही सूरतों में यहाँ पर ये पर्सन सामने वाले को अपने मन मुताबिक चलाना चाहते हैं। एक नार्सिसिस्ट एनर्जी यहाँ पर दिख रही, एक कंट्रोलिंग एनर्जी, एक डोमिनेटिंग एनर्जी, जिस रीजन की वजह से आपके पर्सन अपने दिल की बातें नहीं बता रहे हैं। अगर ये खुद डोमिनेटिंग नेचर के हैं तो ये चाहते हैं कि जब तक आप इनके कंट्रोल में नहीं रहते हो, इनकी टर्म्स और कंडीशंस नहीं मानते हो, तब तक ये आपसे नहीं बात करेंगे, ठीक है। बट मेन मुझे कोई और दिख रहा है ज्यादातर केस में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रप्शंस की एनर्जी ये बता रही है कि आपके पर्सन इनके मन मुताबिक चल तो रहे हैं, इन्हें फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन ये अपने आप को पूरी तरह से हारा हुआ महसूस करते हैं, पूरी तरह से टूटा हुआ महसूस करते हैं। जैसे कि ज़िंदगी में इनके बहुत तूफान चल रहा है, बहुत उथल पुथल चल रही है, बहुत कुछ छूट गया, बहुत कुछ टूट गया, आपके साथ का रिश्ता, जो भी आप इनके पास्ट के पर्सन थे, प्यार थे, पहले प्यार थे या सच्चे प्यार थे, तो वो इनसे छूट गया है, तो वो चीज़ें इनके मन में चलती हैं और नहीं कर रहे हैं, फिर भी उसकी वजह मैंने बताई, इस अथॉरिटी पर्सन के कंट्रोल में रहने की वजह से, ठीक है। ये पर्सन डेफिनेटली आपके बिना अपने आप को बहुत ज़्यादा इमोशनली लॉस हुआ हुआ फील करते हैं, एज एन इनके मन में ये चीज़ें चलती हैं कि आपके साथ प्यार मिला था लेकिन आपको ही छीन लिया गया है, या इन्होंने खुद से ही आपको क्यों ना दूर कराओ, लेकिन अब आप क्या इनकी ज़िंदगी में नहीं हो, इनकी ज़िंदगी से इनका प्यार, इमोशन सब छूट गए हैं, सब रूठ गए हैं, तो वो हालात इनके हैं। और विद दिस पेशेंस एंड प्लानिंग, बस ये पर्सन ना सब चीज़ें समय के हालातों पर छोड़ कर एक कैदी की ज़िंदगी जी रहे हैं इमोशनली वाइज, तो वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जिसमें जैसे होता है ना कि कैदी है और दिल से एकदम हार गया है या हार गई है, बस वहाँ पे बैठकर प्लानिंग तो कर रहा है या कर रही है, लेकिन वहाँ से ऑब्वियसली वो निकल नहीं पा रहा है या पा रही है, प्लानिंग भी सोच के साथ कर रहा है या कर रही है कि जिस दिन मौका मिला तो उस दिन इन्हीं सब चीज़ों को मुझे करना है, तो उस तरह की चीज़ें ना इनके मन में चलती हैं और ये हालात इनके हैं, जिस रीज़न की वजह से बेसिकली ये पर्सन आपसे ना चाहकर भी अपने मन की बातें नहीं कह पा रहे हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि ये तो रही बात कि ये पर्सन ना इस रीज़न की वजह से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि पारिवारिक इश्यूज़ मुझे ज़्यादा लग रहा है, और परिवार इनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर का है, और आपके पर्सन ने उन्हें अपनी जीवन की बागडोर दे रखी है। चलिए देखते हैं क्या कहना चाहते हैं आपसे। गाइड कीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन क्या कहना चाहते हैं, उनके मैसेजेस भेजिए और बताइए। एट ऑफ वांड्स पहला ही कार्ड है, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, Queen of Swords, the Hermit, Right teacher, बताइए व्यूअर्स के पर्सन क्या कहना चाहते हैं, Right teacher, Three of Pentacles, व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए क्या कहना चाहते हैं, ये बहुत सारे हैं, दो हैं, यह है आपका सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, जस्टिस, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, डेविल फिर से आया, बॉटम ऑफ का डेक है फोर ऑफ कप्स, ठीक है। तो देखिए एनर्जीज में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, तो ओवरऑल सभी एनर्जीज यहाँ पर आ चुकी हैं। यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए नंबर 3, 6, 7, 15
ये बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं, जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में जुड़े हुए होंगे। यानी कि आपका हो गया जून, जुलाई एंड मार्च मंथ। ठीक है, देखो बेसिकली मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आपने ना इस पर्सन तक रीच आउट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी है, आपने इनसे बात करने की, अपना मैसेज सेंड करने की, इन्होंने इनसे बहुत ज़्यादा आपने कोशिश करी है, लेकिन इस पर्सन ने ना हर बार आपके ऑफ़र को ठुकराया है, आपको मना कर दिया है बात करने के लिए। और इन्होंने हमेशा आपको यही दिखाया है कि ये कहीं और बिजी हैं या आपके साथ रहना नहीं चाह रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन आपसे जैसे यही कहना चाह रहे हो कि जब जब इन्होंने आपको मना करा, आपके मैसेज को देख कर अनदेखा करा, आपको ये दिखाया, तब तब इनका दिल टूटा है, क्योंकि ये ऐसा चाहते नहीं थे करना, लेकिन बावजूद ना चाहने के इन्होंने ऐसा करा, क्योंकि इनके ऊपर किसी और का हद से ज़्यादा कंट्रोल है, जो ये नहीं चाहते कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हो या ये आपसे बात करें। तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये बेसिकली आपसे इसीलिए नहीं बात कर रहे थे, आपको हर बार इसीलिए इग्नोर करा, और ये चीज़ें इन्हें बिल्कुल भी दिल से शांति नहीं देती थी, वो चीज़ें इन्हें दिल से बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। बस ये जैसे अपनी एक ड्यूटी निभा रहे हैं, जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, तो ये आपको ये बताना चाहते हैं कि ये बस अपनी अब जिम्मेदारियां ही निभा रहे हैं, वरना दिल से तो ये आपके बिना, आपके आपसे बात करे बिना बिल्कुल खाली हैं। ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि दिल इनका हालांकि अभी भी करता है आपसे बात करने का, इनका दिल ना तभी सेटिस्फाई होता है, तभी संतुष्ट होता है जब ये आपसे बात कर लेते हैं, तो दिल इनका अभी भी यही चाहता है, लेकिन चाहने के बावजूद भी इन्होंने इन्हीं चाहत को अपने आगे जैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए रख रखा है। तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं, यानी कि इन्होंने ना कहीं अपनी चाहत को ही मार रखा है, अपनी चाहत को ही दीवारों की तरह खड़ा कर रखा है। तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं, ये आपके साथ नई शुरुआत दिल से तो चाहते हैं, और ये समझ रहे हैं कि ये जो भी इस वक्त में कर रहे हैं ना, ये दीवारें खड़ी करके आपको अपने करीब ना आने देने के मामले में ये जो भी कर रहे हैं ना, वो चीज़ें इन्हें महसूस होती हैं कि ये आपके साथ अन्याय कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप के साथ गलत कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें करने के लिए इन्हें खुद अपनी आँखों पर जैसे पट्टी बांधनी पड़ रही हो, और फिर ये ऐसा कर रहे हैं। तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं, ये इवन आपको ये भी कहना चाहते हैं कि मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि मैं जहाँ पर दे रहा हूँ या दे रही हूँ, जहाँ मैं एफर्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या जिस रिश्ते को मैं बचाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो मेरा असली रिश्ता नहीं है, वो मेरा सच्चा रिश्ता नहीं है, वो एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पर सिर्फ मैं ही अपनी साइड से दे रहा हूँ या दे रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उस रिश्ते में ही देना है, क्योंकि मुझे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि मुझे हर वक्त उस चीज़ का अफसोस होता है कि मैंने तुमसे दूर जाने का फैसला किस घड़ी में ले लिया था, किस सोच के साथ ले लिया था। मैं काम ज़रूर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अपने आप को बिज़ी ज़रूर से कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन हर एक काम करते करते मुझे अपने उस फैसले पर अफसोस होता है, अपने उस फैसले पर कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि मैंने किस घड़ी में वो फैसला ले लिया। ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि हालांकि हम दोनों एक दूसरे से अब बहुत दूर हैं विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन मैं जब भी अकेला बैठता हूँ या बैठती हूँ, या तुम्हारी याद मुझे जब भी छू कर जाती है ना, तब तब मुझे एहसास होता है कि हम दोनों दूर होकर कितने अकेले पड़ गए, हम दोनों का साथ छूट गया, और वो चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे गलत फैसले को बार बार मुझे याद दिलाती हैं। तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं, ये आपसे ये भी बताना चाहते हैं कि अब मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों के बाद डेफिनेटली तुमने भी अपने आप को बदल लिया होगा, एज एन पहले तुम्हें मेरी परवाह हुआ करती थी, तुम्हें
तुम मेरी केयर करा करते थे या करती थी और तुम मुझ तक पहुंचने की हर एक कोशिश करते थे, लेकिन अब तुम क्योंकि वो चीज़ें नहीं कर रहे हो तो पॉसिबिलिटी है कि मेरे इन सब चीज़ों के बाद तुमने अपने आप को भी बदल लिया होगा। और उस चीज़ के लिए आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि इस चीज़ के लिए मैं तुम्हें कोई दोष भी नहीं देना चाहता या चाहती, तुमने सही करा अपने आप को बदल के, क्योंकि मेरा काम ही ऐसा था और मैं जिन हालातों में हूँ मैं वहाँ से निकल भी नहीं सकता या सकती। तो तुमने अगर अपने आप को बदला है, अपने आप को मेरे अगेंस्ट खड़ा करा है, तो मैं उस चीज़ के लिए तुम्हारे साथ हूँ, ये आपसे ये कहना चाहते हैं। ये आपको ये भी बताना चाहते हैं, हालांकि दिल में मेरे आज भी होप जिंदा है कि हम दोनों के रिश्ते में एक मोमेंट ज़रूर आएगा, हम दोनों इस एनर्जी से, इस भटकती हुई दुनिया से डेफिनेटली बाहर निकलेंगे, हम दोनों के प्यार की डेफिनेटली जीत होगी, इस रिश्ते को न्याय ज़रूर से मिलेगा। लेकिन फिर भी ये चीज़ें बहुत इमेजिनेशंस में ही हैं, मतलब ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं जानता हूँ या जानती हूँ ये मेरी इमेजिनेशन ही है, मेरा ख्याली पुलाव ही है, क्योंकि अब मुझे वो चीज़ें दिखती नहीं हैं। अब उन चीज़ों के लिए जो मैं बहुत लंबे समय से होप भी बना रहा था या बना रही थी, वो भी धीरे धीरे करके बुझ रही है। तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं, ठीक है, ये आपसे कहना चाहते हैं कि मैं अब नहीं चाहता या चाहती कि तुम मेरा और इंतज़ार करो, तुम मेरा वेट करो और तुम मुझे याद करके रो, मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता या चाहती। मैं तो यही चाहता हूँ या चाहती हूँ कि तुम भी अपनी लाइफ में अपने आप को बदलो, मूवमेंट अपनी लाइफ में लेकर आओ और आगे बढ़ो, नई शुरुआत तुम करो। हालांकि मेरा दिल इस चीज़ के लिए मुझे कन्विंस नहीं करता है, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए जो सही है उसके हिसाब से मैं अपने आप को भी मनाने के लिए तैयार हूँ। ये आपसे ये भी कहते हैं कि तुम, मुझे पता है कि जिस दिन तुम मेरी लाइफ से पूरी तरह से चले जाओगे ना, उस दिन मैं बिना दिल के, बिना इमोशंस के एकदम शरीर बनकर रह जाऊंगा या रह जाऊंगी, और उसके बाद ये शरीर कब छोड़कर जाएगा वो भी मुझे नहीं पता। और ये कहना चाहते हैं कि शायद यही सही भी होगा, क्योंकि तभी तुम आगे मूव ऑन कर पाओगे, बढ़ पाओगे, अपने आप को बदल पाओगे। जब तक मेरा अस्तित्व तुमसे जुड़ा रहेगा, जब तक मेरी यादें तुमसे जुड़ी रहेंगी, या जब तक मेरे दिल में तुम्हारे लिए वो इमोशंस जागते रहेंगे, तब तक तुम मेरी तरफ खींचते चले आओगे, तब तक तुम्हें मेरी तरफ ही खिंचाव महसूस होता रहेगा। तो इसीलिए ये कहना चाहते हैं आपसे कि मैं यही चाहता हूँ या चाहती हूँ, तुम बदलो, अपने आप को बदलो, अपनी सोच को बदलो। बदल लिया है तो उसके लिए मैं किसी भी तरह से तुम्हें जज नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या किसी तरह का ब्लेम तुम्हारे ऊपर नहीं डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ। तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं। चलिए और देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं ये पर्सन आपसे। बताइए वीएस के पास और क्या कहना चाहते हैं। आई कांट हैंडल योर वर्ड्स राइट नाउ। तो पॉसिबिलिटी आपने ना कुछ चीज़ें ऐसी भी बोली हैं इन्हें जो बेसिकली इनके दिल को छू गई हैं, ठीक है। और जब जब इन्हें आपकी याद आती है तो ये उस वक्त में डेफिनेटली आपसे ये कहना चाहते हैं कि तुमने उस वक्त में जो भी मुझसे बात कही ना, वो मैं आज तक हैंडल नहीं कर पा रहा या पा रही। वो चीज़ें मुझे तोड़ जाती हैं, वो चीज़ें मुझे बिल्कुल ख़त्म कर जाती हैं। तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं, इन्हें डेफिनेटली आपके साथ जो भी इन्होंने पल बिताए थे, जितने भी आप क्लोज आए थे, जितनी भी आपकी मेमोरीज थी ना, वो इन्हें आज भी याद आती हैं। ये आपसे ये कहना चाहते हैं, आई नीड यू, मुझे तुम्हारी डेफिनेटली ज़रूरत है इन हालातों में, लेकिन मैं तुमसे तुम्हारी मदद नहीं मांग रहा या मांग रही, क्योंकि तुम्हारे लिए वो सही नहीं है। तुम्हारे लिए यही सही है कि तुम मूव करो, आगे बढ़ो, बदलो। तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं, Ever since I met you, nobody else is worth thinking about. ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं जब से तुमसे मिला हूँ या मिली हूँ ना, तब से मुझे कोई और पसंद ही नहीं आया है या आई है, या जितने ज़्यादा वर्थफुल तुम थे मेरे लिए, उतना ज़्यादा मुझे कोई भी वर्थफुल नहीं लगा या लगी। तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं।
आई वॉन्ट टू टच यू, आपको टच करना चाहते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि बहुत दीवारें आप लोगों के बीच में खड़ी हो गई हैं, आप लोगों ने एक दूसरे को देखा नहीं है और ये पर्सन आपको टच करके महसूस करना चाहते हैं। आई नीड मोर टाइम्स टू फिगर थिंग्स आउट, तो आपसे कहना चाहते हैं बेसिकली कि मुझे ना अभी समय लगेगा चीज़ों को फिगर आउट करने में या इन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए मुझे समय लगेगा और मैं नहीं चाहता या चाहती कि मैं अपने मतलब के लिए तुम्हें भी इंतज़ार कराऊं, यानी कि मुझे तो वक्त लगेगा ही लेकिन मैं नहीं चाहता या चाहती कि तुम भी अपना वक्त बेकार करो, यानी कि तुम आगे बढ़ो। आई हैव क्राइड ओवर यू, ये पर्सन रोते हैं आपको याद करके, या आपके साथ जो भी मेमोरीज थी वो जब भी इनको छू कर जाती हैं तो ये पर्सन रोते हैं, तो आपसे ये कहना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू कॉल और टेक्स्ट यू, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था डेफिनेटली ये पर्सन आपसे ये सब चीज़ें कहना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, फ़ोन पे बात आपसे करना चाहते हैं। आई थिंक अबाउट यू, आपको बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे कॉल को टेक्स्ट को इग्नोर करता हूँ या करती हूँ, या तुम्हें ब्लॉक कर रखा है या तुमसे दूरियाँ बना रखी हैं तो मैं तुम्हें याद नहीं करता या करती या तुम्हारे बारे में सोचता नहीं हूँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में हर पल हर घड़ी सोचता हूँ या सोचती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा इंट्यूशनली ये लग रहा है कि ये पर्सन ना सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों के तले दबकर रह गए हैं और उस रीज़न की वजह से अपने प्यार की, आपकी, आपके साथ की कुर्बानी कर रहे हैं, तो वो मुझे दिख रहा है। आई जस्ट वॉज नॉट रेडी फॉर यू, आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए तैयार ही नहीं हूँ, यानी कि तुम जैसे इंसान को डिज़र्व करते हो ना, मैं वैसा इंसान नहीं हूँ या वैसी इंसान नहीं हूँ, मैं तुम्हें वो चीज़ें नहीं दे पाऊँगा या पाऊँगी, तो डेफिनेटली मैं तुम्हारे लिए तैयार नहीं हूँ, ये आपसे ये कहना चाहते हैं। यू आर इररिप्लेसेबल, आपसे कहना चाहते हैं कि देखो तुम्हारे लिए मेरे दिल में वो जगह है जिसकी जगह कोई और नहीं आ सकता या आ सकती, मैंने तुम्हारे लिए दिल में वो जगह अपने लिए तुम्हारे लिए वो जगह अपने दिल में बना रखी है जिसे कोई भी नहीं ले सकता या ले सकती। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स ऑल राइट बिटवीन अस, मैं तो यही चाहता हूँ या चाहती हूँ अब भी हर पल हर घड़ी के हम दोनों के बीच में चीज़ें सही हो जाएं। आई एम अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन, लेकिन अब तो डर भी लगता है कि तुम रिजेक्ट कर दोगे या फिर सिचुएशन ऐसी है, वो सिचुएशन हालात हमारे फेवर में नहीं है और वही हालातों की वजह से हम दोनों का रिश्ता यहाँ रिजेक्ट कर दिया जाए। I want to marry you, आपसे शादी करना चाहते हैं, या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो वो शादी जारी रखना चाहते हैं, तो ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं। ठीक है, चलिए ये देखते हैं कि क्या ये पर्सन आपसे बात करेंगे या नहीं करेंगे। व्यूअर्स, ये पर्सन क्या बात करेंगे या नहीं, गाइड कीजिए। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस, बॉटम ऑफ द डेक भी द सन आया। देखो भाई, पॉसिबिलिटी तो दिख रही है कि ये पर्सन आपसे बात करें, हालांकि इन्हें वक्त लग रहा है क्योंकि ये खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कैसे करेंगे, क्या करेंगे, चीज़ों को कैसे अल्टीमेटली सुलझाएंगे, लेकिन डेफिनेटली बात आप लोगों के बीच में यहाँ पर होगी, इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी क्लियरली दिख रही है। लेकिन समय भी यहाँ पर अच्छा खासा दिख रहा है, 3 से 6 हफ्ते इस पर्सन को लग जाए आपसे बात करने के लिए, तो इसकी पॉसिबिलिटी दिख रही है। ठीक है, लेकिन बात यहाँ पर होगी आप लोगों के बीच में, ये डेफिनेटली है। ठीक है, तो ये थी मेरी रीडिंग कि आखिर ये पर्सन आपसे कहना क्या चाह रहे हैं। थोड़ा मैं भी आज की इस रीडिंग को देखकर इमोशनल हो गई, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि प्यार में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं और एक इंसान गिव अप जल्दी कर जाता है या कर जाती है, तो वही कुछ आपके पर्सन के साथ इस वक्त में हो रहा है। ये अपने आप को बहुत हारा हुआ फील कर रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि नहीं लड़ पाएंगे, ये फाइटर नहीं है, तो वो चीज़ें इनके साथ हो रही है आज की इस रीडिंग को देखकर मुझे ये लगा। तो आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूँ और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही, ओके, बाय बाय।